मंच यहाँ पे विराजमान सर के गणमान्य नागरिकगण, मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत उत्सव के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के उपलक्ष पर जो मूर्ति का अनावरण मेरे बड़े भाई साहब महावीर जी की द्वारा किया गया है, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने बाबा साहब की जो मूर्ति का अनावरण किया है, ये अवसर आपको मिला और इसका साक्षी बनने का हम सबको ये अवसर मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज आपके बीच में अगर मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, कह पा रही हूँ, तो बाबा साहब के कारण कह पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने संविधान में महिलाओं को ये अधिकार दिया कि वो अपनी बात कह पाए और पुरुषों के बराबर वो रह सके। तो बाबा साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो हमारी नारी शक्ति का मान बढ़ाया और सम्मान बढ़ाया। आप सब से ये निवेदन करना चाहती हूँ, ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब की जीवनी से आप अवगत कराइए। वो ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार हर किसी को दिया, छोटे से लेकर ऊपर तक एक ही समानता का अधिकार दिया। ऐसे महापुरुष बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और बाबा साहब के लिए चार लाइनें में ये बोलना चाहूँगी कि आदर्शों को अपनाना है तो नींद चैन को त्यागना होगा। बाबा साहब को नींद चैन को त्यागना होगा, यूं संगत नहीं भागना होगा। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब मंच का संचालन हो रहा था तो मेरे बड़े भाई साहब, मेरे नशा मुक्ति और शराबबंदी आंदोलन से संबंधित जब मेरा परिचय दे रहे थे तो केवल एक ही तरफ से तालियों की आवाज़ सुनाई दी, वो केवल महिला शक्ति की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मेरे भाइयों की कम आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आवाज़ सुनाई दी वो मैंने महसूस की कि महिला होना चाहिए। अभी भी देखिए तेज आवाज़ उनकी आ रही है। तो आप सबका सहयोग, आपका साथ हमारी युवा पीढ़ी को नशे से बचने के लिए जो अभी चला है नशा मुक्ति, वो अभियान आपके से आपके आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। और दूसरी बात आपको और कहना चाहूँगी, एक अपील करना चाहूँगी इस मंच, एक पवित्र स्थान से, कि सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक समाज का नहीं, वो आंदोलन हम सब का चल रहा है और उसमें आप सबका सहयोग मांगने आई हूँ कि आप सब लोग सहयोग करेंगे तभी जाकर सूरतगढ़ जिला बन सकेगा। तो आप सब लोग सहयोग कीजिए सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए। यहाँ पे प्रत्येक बैठे हुए व्यक्ति से, महिला शक्ति से ये आग्रह करूँगी कि आज सूरतगढ़ जिला बन जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक समाज का विकास हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।